असलकम लूस्टॉक क्रिकेट स्पेशल के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में मुल्तान टेस्ट का चौथा दिन कयामत का दिन था पाकिस्तान के लिए जितनी उम्मीदें हमारी टीम से वस्ता थीं उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई हिंदुस्तान की टीम छाई रही और जो सूरत हाल थी वो आपने देखी होगी खेल ख़त्म होने तक हमारे नौ खिलाड़ी आउट हो चुके थे और अभी भी इनिंग डिफीट से बचने के लिए काफ़ी रन चाहिए दोस्टॉक में आज मेरे मेहमान हैं आप पारसी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं कैसे, कैसे? कैसे है तुम तो? आप ठीक है तो मेरा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग टेलीविजन को बहुत सारो तारो प्रोग्राम था एक बहुत अच्छा प्रोग्राम एक बात मैं तेरे को बोलता है जरा मेरे को जरा सोच के बताने का है ये सारा क्रिकेट तुम्हारा पाकिस्तान में से कभी खलस होएगा ये चौबीस कलाक जो है ये मुसलमान लोग जो है क्रिकेट देखता है क्रिकेट देखता है ये क्रिकेट छूटेगा तो कोई और काम करेगा ना असल में भारत अभी के... खाली हम तुमको एक बात बोलता है कि उधर हमारा ऑफिस का अंदर में आई एम दी ओनली पारसी बाकी सारा लोग मुसलमान हैं काले सूट आयु कि मैंने उसको बोला अपना पियून को बोला मैं बोला एक कप मेरे को चाला के देने का है क्या तो मेरे को मालूम है क्या बोलता है मेरे को बोलता है बोलता है तुम खुद जाके बना लो टड्डन मारा थी भी रीते बात करे मैंने उसको बोला भाई एक कप चाय मेरे को चाहिए तो बोलता है तुम खुद जाके बना लो अभी अर्सी श्री रमित जो है बैटिंग कर रहे हैं अभी आपने जितनी बातें की वो सब मेरी समझ में आ गई एक जुमला आपने कहा वो एकदम एकदम तुम लोग बोलता है ना ये हम लोग का लैंग्वेज के अंदर में बोलता है ना आदत है अच्छा बात करने का हमारा आदत है ना ऐसा तो असल में हिंदुस्तान और भारत के दरमियान बहुत दिनों बाद मैचेस हो रहे हैं तो ये शौक जो है पाकिस्तानियों को ये है कि भारत से जब खेलते हैं तो लगता है कि ये उनके घर का मैच है अच्छा घर का बात एकदम फैमिली अफेयर हो जाता है क्या जी 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 जैसे जरा सी लड़ाई बड़ाई भी रहती है मोहब्बत भी है आप कहाँ काम करते हैं अभी मैं जो है बैंक अंडर में मैनेजर है आप ब्रांच के मैनेजर है हाँ तो एक चपरासी एक मैनेजर से कैसे कह सकता है कि आप खुद चाय बनाएं मैं मैच देख रहा हूँ अभी तुम्हारे को बोला ना कि वो जो है हम पारसी है तुम्हारा जो प्यून है वो मुस्लिम है कुछ भी बोल सकता है हम लोग को पारसी है ना कुछ भी बोल सकता है सलाह कोई एक आदमी जो है उधर ऑफिस के अंदर में काम करने के लिए तैयार नहीं है सोच है सो अरे क्रिकेट ना ऊपर ने इन्हें खलास करना क्रिकेट ना क्रिकेट तो अभी पंद्रह बीस दिन और चली हाँ मालूम है मेरे को चौथे दिन पाकिस्तान फॉलो ऑन से नहीं बच सका अरे तुम आजम और तुम लो इन लो को फॉलो नहीं करता तो तुम कैसे बचेगा से? नहीं, नहीं फॉलो ऑन का मतलब है कि अगर एक टीम 500 रन बनाती है तो दूसरी टीम अगर 300 से पहले आउट हो जाए तो 500 रन बनाने वाली टीम जो है वो दावत देती है दूसरी टीम को बैटिंग तुम्हारा पाकिस्तानी जो आई एम सॉरी टू से एक अच्छा हूँ तो कहूँ इतना ये जो है ना पाकिस्तानी डावट का बात तुम करा ना तो इन लोग का तो क्या है कि डवट के अंदर में अगर कभी बुला लेता है ना तुम लोग किसी को डवट के अंदर में बुला लेता है तो एकदम फ्रैक्चर भी हो गया ना तो, तो भी तुम्हारा पाकिस्तानी जो है डावट में चला जाता है आप भी तो पाकिस्तानी है हम लोग तो, तो इधर पाकिस्तान बनने का बहुत बेल्ला से रहता है ना तो हम लोग तो शुरू से इधर रहता है तो अभी बाद में हम लोग का सामने पाकिस्तान बन गया तो अभी हम लोग ऑब्वियसली पाकिस्तानी हो गया ना अभी हम लोग नल्ला नल्ला था ना इधर तो इधर हम लोग गाना गाता था ओ मोराजी भाई मुंबई ना देशाई अरे मुंबई मा तो रे वो हमने बाहर बड़ी जाए गई कालेते बस में गड़बड़ पड़ी गई एक मिनट में कंडक्टर नी पाटलोन ओटीरी गई ओ मोराजी भाई पाटलोन क्या कहा आपने वो पाटलोन जो अभी तुम लोग का पूरा टीम का उठ रहा है ना कोम के सामने उसका बात करता है आ, क्रिकेट का शौक है आपको किसको आपको अरे एकदम दादा तुमने कैसा सवाल कर दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन कोई इसमें कॉमन क्वेश्चन करे इतने मराठी मराठी वाट कर तू कई स्टैंडर्ड नो कई क्वेश्चन कर तो हूँ तेने जवाब आपूँ एकदम ऐसा एकदम लोकल एकदम डिसग्रेसफुल क्वेश्चन का था क्रिकेट का इधर हम लोग को तो नहीं है क्रिकेट का शौक इतना बात क्या करते हैं तुम अच्छा ये एक बात मैं आपसे कहूँगा हाँ दो बात बोलो मेरे को क्या है मेरा तुम्हारा गेस्ट है नहीं, नहीं अभी जो पिछली गुफ्तु आपने की है मुझसे क्या किया है जो बातचीत आपने आप बातचीत बातचीत बराबर बराबर तो उसमें आपने चार पांच जगह साला कहा है हाँ साला बोलता है ना हम लोग का तो लैंग्वेज है देखो हम लोग जो प्यार में एकदम फिर जाता है ना तो प्यार में बोलता है साला जैसे तुम लोग का लैंग्वेज में नहीं बोलता चढ़िया हमारा लैंग्वेज के अंदर साला बोलता है ये तो तुम हमसे आई एम अ नॉर्मल पार्सी आई एम अ नॉर्मल पारसी तो हूँ सा, साला एकदम बोल देता है तो कोई बात नहीं है तुम तो किसी गूंगा पारसी को भी देखेगा ना तो एकदम जोर लगा के वो भी बोल देगा साला बोल देगा दिस इज वेरी कॉमन इसमें कोई ऐसा मठा फेराने का बात नहीं है आज जब मैच शुरू हुआ तो पहली ही गेंद पर इरफान पठान की रजाक आउट हो गई तो जो हम लोग समझ रहे थे कि रजाक अरे तो मेहनत नहीं आउट कराने उसको वो खुद आउट हुआ तो मेहनत को क्या को बोलता है बात करने के लिए अरे तुम भी सारा क्या हमारे बैंक में काम करता है जो तुम भी क्रिकेट क्रिकिट का बात करता है अखा बैंक करता है तुम भी क्रिकेट का बात करता है

वो एकदम विसल बजाता है एकदम ऐसा भागता है ना एकदम चरिया शरीर का एकदम भागता है क्या करें मजबूरी है कि लोग मैच देखने नहीं आए मैच सा पहले इंडियन टीम का वास्ते बहुत सिक्योरिटी था फोर्थ डे का मैच का बाद में वो सिक्योरिटी जो था एकदम पाकिस्तान टीम के लिए लगा दिया अभी तुमको मालूम नहीं है इंजमाम जो है ना ही फॉर एट गार्ड्स और फिर कितना कैसा आएगा आदमी लोग कैसा आएगा देखो ना कैसा सरी का बात कराए

ऐसा सही सही का गेम भी नहीं होता है तो अच्छी सोचा वहां उठा दो ना अंदर स्टेडियम के अंदर एकदम ले जाके एकदम डम करो खलश करो बोलो क्रिकेट टीम बी सी सी पी को आइडिया डे ना तुम तो हिट हो जाएगा ये आइडिया में बीसी पी को देता हूँ हाँ आप इश्त देखिए स्टारों से पहले हम बात कर रहे थे आ, मुल्तान टेस्ट की असल में मेरे भाई प्रॉब्लम ये हुआ अरे तुम मेरे को भाई के डे से बोलते हैं आई एम पारसी यू आर अ मुस्लिम हम लोग भाई भाई किधर से हो सकता है वी कैन बी फ्रेंड्स ओके फ्रेंड हां गुड कुंबले जो उनके बॉलर हैं भारत के उन्होंने 6 खिलाड़ी आउट कर दिए ये साला कुंबले को वीजा देने का नहीं था बिल्कुल एकदम रिफ्यूज कर देना चाहिए था नहीं मगर वीजा कैसे मना करते अरे साला सीक्रेट सर्विस का, का कान में बम मार देता ना तो हम के ये साला अलकायदा का है वीजा कैंसिल हो जाता इसका

કે યે તો આમા રીઝન છે ને આમા ઓ તને રીઝન આ પોંચ નહી અબી તુમ જબી બી દુસરા ટેસ્ટ કરેગા ને ન્યુક્લિયર કા તો સારા જો નેશન હે ને તુમ લોકો કા વો મુલ્ટાન કા ટેસ્ટ કો જો એકદમ બોલ જાયેગા યુ મસ્ટ પે મી ફોર This આઇડિયા કેટલું સજ્જો આઇડિયા તને આપું છે ફાતે મુશ્કિલ આઇડિયા હે આપકા ઓ તો નહી કરને કા તો નહી કરો એ તો તુમ લોકો કા પ્રોબ્લેમ હે તુને મેરે સે બોલા હેલ્પ માંગા મેરે તર હેલ્પ કર દિયા नहीं नहीं हां हमारी मर्जी से तू करे हाँ करे नहीं करे नहीं करे, करे मन जो आप अपने पास ही रखे हां तो तो फिर पूछने करनी थाने तुमको थी थी। तो मेरे ने मेरे से पूछा मैंने तुम्हें को जवाब दे दिया सर आप इतने आईडिया रहंदे वो गाना क्या सुनाया था आपने मुझे और जब हम नल्ला नल्ला था तो गाता था ओ मोराजी भाई मुंबई ना देश आई मुंबई माटो रेबू हमने बारे पड़ी जाए गई कालेते बस में पड़ी गई 1 मिनट में कंडक्टर नी पाटलो नुटड़ी गई ये आप लोग बहुत बहुत गाता डालते मुझे भी अच्छा जो, जो चीज़ अच्छा लगता है ना तो उसको रिपीट करना चाहिए जरा गाँव नहीं मेरे साथ में ओ मोराजी भाई ओ मोराजी भाई मुंबई ना देसाई मुंबई ना देसाई मुंबई माँ तो रेवू हमने भारे परी जाए हुँ, हुँ, हुँ। ने, ने, नहीं नहीं इसमें ट्यून नहीं गुनगुना ने तुमने हम तो तुमको वर्डिंग देता ना तुम इसका ट्यून क्या को बोलता है ओ मोराजी भाई ओ मोराजी भाई मुंबई ना डे देखो ओ मोरारजी भाई जब भी बोलता है ना तो उसमें एक रिक्वेस्ट है देयर इज अ रिक्वेस्ट ओ मोरारजी भाई ओ मोरारजी भाई मुंबई ना डे साई मुंबई ना डे साई मुंबई माटो तो रेवु हमने भारे पड़ी जाए मुंबई मा मु रेवु हमने भारो पड़ी जाए भारे पड़ी जाए भारे पड़ी जाए गई काले ते बस मा गड़बड़ पड़ी गई गई काले बस मा गड़बड़ पाली गई एक मिनट में कंडक्टर नी पाटलो नोटरी गई एक मिनट में कंडक्टर मा पाटलो नहीं मां नहीं एक मिनट में कंडक्टर नी पाटलो नोटरी गई एक मिनट में कंडक्टर नी पाटलो पाट नोटरी गई अरे यार तू तो, तो चोखस गाता है ना तू छोड़ने ये काम किधर है तू एक म्यूजिक का पार्टी बना ऐसा तेरा काम चलता है इधर ये गाता है ना छोकरा लोग इधर बैंड का साथ में यू कैन सिंग बेटर देन देम एक सेकंड की इजाजत दे तो मैं जरा क्रिकेट बात कर लूं। ओके। okay. ये सेकंड हो गया टाइम इस... मांगो मिनट बोलो ना तो हाँ है? करते हैं अभी पहले जो है ने, वो लॉन्ग टाइम बैक आई यूज टू डू पोइट्री इंग्लिश में पोइट्री करते हो तो. अभी थोड़ा दिन हो गया अभी हमने कॉम्बिनेशन बनाया ना गुजराती उर्दू का थोड़ा पोएट्री मारता है थोड़ा सा आगे तुम बोल अभी इधर आने का पहले मुल्तान का मैच का ऊपर में मैंने थोड़ा पोएट्री एक पोयम लिखा था तुम बोलते तो एटोमीटर को सुनाता है सुनाएंगे तो और क्या मैंने इधर बॉक्स के अंदर में बंद रखने के लिए थोड़ी लाया है। बोलो तो मैं ल सुनाता है लाइक सुनाई अरे ऐसा सरी का तुम देखो ना क्या गई हूं अभी तुमको यू टॉक ऑन करंट अफेयर्स ने वो तो उधर उधर घास था ना उधर ग्रह सती ना मुल्तान की मुल्तान के? का पिच का ऊपर में जी जी खुदीच काट डाला ना सारा अच्छा मुझे पता है उसके ऊपर में मैंने एकदम बोल दिया है घास कटाकर जिंदा है दोबारा बहुत अच्छा मिसरा है कितना अच्छा बात बोला ना हाँ। एकदम ताने बहुत सारी लागू ने घास कटाकर जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है रिपीट रिपीट

जान बहुत शर्मिंदा है अंडे पे रन आउट हुआ कैप्टन है के परिंदा है क्या कहने है? अच्छा इनसी के लिए कहा यार देखो ना अंडे के ऊपर में आउट होया अंडे पे रन आउट हुआ रन आउट हुआ कैप्टन है के परिंदा है भाई बहुत अच्छे। है अच्छा कितना अच्छा आइडिया है अंडे के ऊपर रन आउट हुआ कैप्टन है के so, परिंदा 100 मील 100 माइल्स टेस्ट कराने वाला हंड्रेड माइल्स टेस्ट कराने वाला साला टाइगर है के टिंडा है अभी कैसा बोला ना देखा एकदम बहुत अच्छा हाँ के सोचू है कि हंड्रेड माइल्स टेस्ट कराने वाला साला टाइगर है के टिंडा है पांचवा दिन कोई हुल्लड हो वे पांचवा दिन कोई हुल्लड हो वे इस उम्मीद पे जिंदा है आ, क्या कहने दोबारा पढ़ लो है ना पांचवा डे में कोई हुल्लर हो इस उम्मीद पे जिंदा है जान बहुत शर्मिंदा है घास कटा कर जिंदा है अभी भी जु... बहुत अच्छी शायरी आपकी अभी, अभी अभी आप तो कि तो। पाकिस्तान ने दिन जी, कुछ कह रहे हैं मैं दूसरा भी अभी है ना खलास नहीं हुआ है अभी सुना था ना थोड़ा सा अच्छा अच्छा मेरा दोस्त लोग तो बोलता है कि मैं इसको पेपर बैग का फॉर्म में डाल लू इतना मेरा पोइट्री जो तुम लोग का पाकिस्तानी बहुत पसंद करता है अभी मैं बोलता है इंडिया का बहुत फेमस सॉन्ग मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तेरे से करा है प्यार जनैन बहु फेमस गायन छे ने तो उसको ऊपर में मैंने बोल दिया है मेरा मान मेरा एहसान अरे मुल्तान क्या आखी तारी थी गई, गई यार आ, रिपीट करो ना बहुत मजा आ मान मेरा एहसान अरे मुल्तान की आखी तारी तह गई हार बहु सोजी गुजराती में बात करे तू ते मान मेरा एहसान अरे मुल्तान की आखी तारी थी गई हार मान मेरा एहसान अरे

क्या की तारी तई हाल एटली लागी तारी पिद्दी इंजी एटली लागी तारी पिद्दी इंजी तारी नहीं एटली लागी तारी तारी मींस टू मैरी इटली लागी तारी पिद्दी इंजी बॉलिंग થઈ ગઈ બેકાર બોલિંગ થઈ ગઈ બેકાર હા કે એટલી तारी થઈ ગઈ યાર બસ કે કે ઠીક છે ને બહુત અચ્છા અભી મુલ્ટાન કે સ્ટેડિયમ કે ઉપર મેને ગાયન બોલાય ગાયન हां सॉन्ग को क्या बोलते तुम लोग हम लोग बैंड बोलते हैं तुम लोग क्या बोलते हैं गाना हाँ सॉन्ग अभी इधर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं आएगा वाह अभी देखो जब कोई नहीं कोई नहीं मींस के कोई भी नहीं आएगा उधर एकदम साइलेंस है ना उधर अभी इधर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं आएगा बहुत अच्छे पांचवा डीन उधर भूत नजर आएगा बहुत अच्छे आइडिया देख आइडिया जो है बहुत अच्छे के अब इधर कोई नहीं कोई नहीं आएगा पांचवा डीन इधर भूत नजर आएगा अब इधर कोई नहीं कोई नहीं आएगा ए पोइट्री को पेपर बैग में छापो बहुत हिट था सर अब इधर कोई नहीं कोई नहीं नहीं कोई नहीं कोई ज्यादा है जस्ती है कोई अब इधर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं आएगा अब इधर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं अब कोई नहीं, आ. कोई नहीं आएगा ऐसा 14 करोड़ टाइम बोलेगा तो पूरा पाकिस्तान नहीं आएगा पांचवे रोज इधर भूत नजर आएगा आ, बिल्कुल बहुत अच्छी शायरी है मैं जब तक इस शायरी का मतलब समझता हूँ आप इशार देखिए। अच्छा ये बताइए कल आखिरी दिन है मैच का हाँ। और मुश्किल में तो है तुम लोग तो है। तो मुश्किल में हैं। ये ये मैच मैच हम कैसे बचा बचा सकते ये इस मैच को खाली बचा सकता है। क्या? उल्लर, उल्लर। आप कैसी बातें कर रहे है? दोस्ती का मैच है दोस्ती में कैसे हो, सकती है? अरे थाई जब ये में दोस्ती हो सकता है तो दोस्ती में भी उल्लड़ हो सकता है आपकी शायरी मैंने सुनी उस शायरी से मैंने अंदाजा लगाया कि आप क्रिकेट बहुत जानते हैं जानता है थोड़ा बहुत जानता है ना ये बताइए कि इंजमाम ने जब मुल्तान में टॉस हारा आ। तो उसके बाद उसे क्या करना चाहिए था वेरी सिंपल उसको अल्लाह अकबर का नारा मार के एकदम कराची आ जाना चाहिए था अभी तुम बताओ यू आर ए मीडिया मैन ये तुम लोग इधर इसको किसी को रखता है इधर टेलीविजन के ऊपर में ओखेच मैं जानता हूँ ये जानता है इन लोग को मना करो ना एक एडवर्टीजमेंट आता है खाली शब्बीर अहमद और वो जो है ना शोब अख्तर रह गया था दो दो आदमी रह गया था और उधर हम लोग एडवर्टीजमेंट क्या देखता है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो एट्रिक करेगा उसको डायल करो ने लाखों का इनाम जीतो साला मश है क्या ये दो ही प्लेयर बाकी हाँ देखो तीन चाहिए ना उसका माटे ठीक है ये इश्ताहार मैंने भी देखा था ये मैं जरूर उनसे बात करूंगा हाँ बोलना बोलना अच्छा कल सुबह क्या होगा कल सुबह क्या होगा इधर क्या है मुल्तान में आखिरी दिन है मुल्तान में जी देखो दिस इज बिटवीन यू एंड मी इंजी जो है ना वो तो मुल्तान है ना हां मुल्तान में रहेगा अखा टीम जो है ना अनफिट हो जाएगा मुल्तान का गुस्सा मुल्तानियों की गर्मी गॉड सेव द टीम अभी तो मेरे को गायन बदलने को दिल मांगता है ना एकदम क्या ओ इंजी भाई मुल्तानी देसाई मुल्तान में तो रेबू हमने भारे पड़ी जाए गई काले स्टेडियम में गड़बड़ पड़ी गई एक मिनट बॉलर नीते पाटलोन उठी गई ओ इंजी भाई मुल्तानी देसाई इसको कॉमन करो ना बहुत जबरदस्त है आपने मेरे मेहमान की बातें सुनी गेस्ट 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 की बातें सुनी गेस्ट को मुझे बहुत लुत्फ आया किसको मुझे आपकी बात मेरे खुद तेरे से बात करके बहुत मजा आई ना तो कल मुलाकात होगी फैसला तकरीबन लिखा जा चुका कल है कल फिर मेरे को आने का है क्या नहीं नहीं अभी तुम बोला ना कल फिर मुलाकात होगी नहीं नहीं जो टीवी देख रहे हैं उन तो हमारा मुकालात कल तो नहीं होएगा ना मुकालात नहीं मुकालात आपका हो मेरा तो नहीं होगा अच्छा हम लोग बोलते हैं मुक्का और लाट अच्छा नहीं आ। हमारा नहीं होता कल देखिए जो बात मैंने कही है कि फैसला तो हो चुका है फिर भी दो मैच बाकी है देखेंगे कि इन अभी सीरीज का फैसला नहीं हुआ है सिर्फ एक मैच का फैसला कल सुबह होने वाला है एक बात सुना अनुमा हमारा तुम्हारा पूरा क्रिकेट का टीम से मौका लाट हो सकता है आ, मैं कोशिश करूँगा अच्छा ठीक है खुदाफि